यार अली, पहले परफॉर्मेंस ने तो मुझे बहुत डरा दिया। दूसरे परफॉर्मेंस मतलब हमारी क्यूटी यशी ने हमें छोटी सी खुशी दी जी, और तीसरे परफॉर्मेंस में तो हमने एक स्टैच्यू को डांस करते हुए देखा। भाई अब क्या होने वाला है? Well, अब जो होने वाला है वो और भी धमाकेदार होने वाला है। नाउ इज टाइम फॉर द आर्ट एंड क्राफ्ट्स कैटेगरी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मतलब यहाँ पेंटिंग या कुछ होने वाली? नहीं, यहाँ नहीं होने वाली है। आई विल स्पेशली टेल माय जजेस, आर्ट एंड क्राफ्ट्स एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स को दिए गए थे 2 घंटे इन ऑडिशन 1। उन 2 घंटों में उन्हें कुछ अमेजिंग क्रिएट करना था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो ऑडिशन 1 से ऑडिशन 2 में गए, फिर वो ऑडिशन 2 से फाइनल राउंड में आए हैं। एंड हियर वी विल शोकेस यू इन 5 मिनट्स वीडियो अबाउट द एंटायर 2 आवर्स ऑफ देयर क्रिएशन। और इसके बाद पता चलेगा कि 3 फाइनलिस्ट कौन है। मतलब उन सारे राउंड्स में से 3 फाइनलिस्ट चुन लिए गए हैं। जी हाँ। सो कैन वी हैव द वीडियो ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट्स प्लीज। वेल, नीचे आपने देखा कि बहुत सारे अलग अलग टैलेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं, जैसे कि सिंगिंग है, डांसेस है, प्लस यूनिक टैलेंट्स है, स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है। ये वो रूम है जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर रहे हैं। देखना ये है कि इनमें से किन में वो यूनिक टैलेंट है और वो क्या क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम साइलेंटली, क्योंकि इन्हें सिर्फ दिया गया है 2 घंटे और उन 2 घंटों में इन्हें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। Yeah.
हमने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स और क्राफ्ट्स देखे यार. इसके बाद कहना ही पड़ेगा सत्यपुरुष रियली गॉट टैलेंट. तो जो फाइनलिस्ट थे उनका नाम था हुलास जैन, कविशा भंसाली और दिव्या भोत्रा. लेकिन इनमें से विनर कौन है? विनर अभी नहीं बताएंगे. वेल विनर डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली आज जजेस बाय द एंड ऑफ द इवनिंग. तो सब्र का फल मीठा होता है मेरे यार.